स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस पार्ट 9। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र शरीर का परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, जल और अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति ऊतक कोशिकाओं को की जाती है और उनके व्यर्थ पदार्थों का निकास किया जाता है। परिसंचरण तंत्र के निम्न भाग होते हैं, जैसे रक्त, हृदय, जो रक्त को दबाव से संचरित करने वाला पंप होता है। नंबर 3, रक्त वाहिकाएं, जिनमें रक्त का परिसंचरण होता है। लसीकीय तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम का इससे निकट संबंध होता है और इसे परिसंचरण तंत्र का ही भाग माना जाता है। रक्त यानी ब्लड। संपूर्ण शरीर में हृदय और रक्त वाहिकाओं में कुल मिलाकर करीबन 6 लीटर रक्त का निरंतर परिसंचरण होता है। यह चिपचिपा लाल रंग का द्रव होता है। इसका स्वाद खारा और प्रतिक्रिया मामूली क्षारीय होती है। यह द्रव यानी प्लाज्मा और ठोस रक्त कोषों का बना होता है। प्लाज्मा, यह हल्का पीला द्रव होता है तथा निम्न से बनता है, जैसे जल 90%, लवण, इनमें सोडियम क्लोराइड 0.9% होता है। प्रोटीन्स, जिनमें एल्ब्यूमिन होता है जो रक्त को चिपचिपा बनाता है। पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स। व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन्स, जो रोगाणुओं के प्रतिरोधक होते हैं। हार्मोन्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित होते हैं, रक्त के थक्के बनाने में सहायक और रक्त के थक्के बनने की रोकथाम में सहायक पदार्थ। प्लाज्मा ऊतक कोशिकाओं के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो इन्हें जल और पोषक तत्व पहुंचाता है और इनके व्यर्थ पदार्थ ले जाता है। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स, इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, सफेद रक्त कोशिकाएं WBC, रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक संख्या में होती हैं। ये अस्थि मज्जा में बनती हैं और 3 माह की अवधि में घुल जाती हैं, इसीलिए उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। ये छोटी छोटी डिस्क आकार की कोशिकाएं होती हैं तथा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें हीमोग्लोबिन रहता है, जो आयरन और प्रोटीन से बनता है। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 14.5 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर हो रहती है। हीमोग्लोबिन बनने में आयरन की कमी रक्त क्षीणता की सामान्य वजह से होती है। लाल रक्ताणुओं का महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को फुफ्फुसों से ऊतक कोशिकाओं तक ले जाने का होता है। फुफ्फुसों में ऑक्सीजन से सहयोग होने पर हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल रहता है। ऑक्सीजन देने के बाद लौटने वाले रक्त का रंग बैंगनी बदल जाता है। सफेद रक्ताणु संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं। इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, जैसे नंबर 1, ल्यूकोसाइट्स, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ये अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं तथा ऊतकों में प्रवेशित रोगाणुओं पर आक्रमण करने के लिए छोटी रक्त वाहिकाओं की दीवार से बलपूर्वक पार हो जाते हैं। ये काफी संख्या में इस लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं तथा प्यूकोस या पस सेल्स बन जाते हैं। तीव्र संक्रमण के दौरान प्रतिकार या लड़ाई के लिए अधिक संख्या में ल्यूकोसाइट्स उत्पन्न होते हैं। ये है ब्लड सेल्स की है, इसको पॉज करके देख लेना। इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है, माइलॉइड होती है और लिम्फॉइड होती है। माइलॉइड के अंदर में RBCs आती है, ठीक है, और ये है प्लेटलेट्स है। और उसका अलावा जो है माइलोब्लास्ट के अंदर में इतनी सेल्स आते हैं, ये इसमें मिलाकर इसमें WBCs बनती है। ये WBCs इसमें भी मिला है। एक लिम्फोइड स्टेम सेल है, इसके नीचे में ये बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ उसमें WBCs में आती है। इसमें भी है लिम्फोसाइट की जो शेप है इस प्रकार की रहेगी। नंबर 2, लिम्फोसाइट्स प्लीहा और लस ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं। ये कम गतिशील होते हैं, लेकिन संक्रमण विशेषकर दीर्घकालिक के प्रतिकार में सहायक रहते हैं।
टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एनके लिम्फोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, ये रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं। रक्त के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द ब्लड, नंबर वन लाल रक्ताणुओं की सहायता से ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाना, नंबर टू आहार को ऊतकों तक ले जाना, नंबर थ्री ऊतकों के व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाना, नंबर फोर ग्रंथियों से हार्मोन्स को जहां आवश्यक हो वहां तक ले जाना, नंबर फाइव सफ़ेद रक्ताणुओं और एंटीबॉडीज की सहायता से रोगाणु संक्रमण का प्रतिकार करना, नंबर सिक्स ऊष्मा का वितरण उस करके शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता करना, नंबर सेवन शरीर का जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करना। रक्त के थक्के बनना का रक्त समूहन और रक्त का पार मिलन यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। रक्त के थक्के जमने का उद्देश्य चोटग्रस्त रक्त वाहिनी में डाट लगाना तथा अधिक रक्तस्राव यानी हेमरेज को बंद करना होता है। जब भी रक्तस्राव आरंभ होता है रक्त प्लेटलेट्स टूटते हैं और एक प्रकार के एंजाइम को रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। रक्त में उपस्थित थक्के जमाने वाले तत्वों के साथ यह प्रतिक्रिया करता है। इसके फलस्वरूप जेली के समान एक पदार्थ तैयार होता है जो रक्त कोशिकाओं के चारों ओर तंतुमय जाल बनाता है। थक्के का आकार जल्द ही सिकुड़ता है और रंगहीन द्रव इसमें से सीरम अलग निकल जाता है। सामान्यतया रक्त वाहिनी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि यह बनता है तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं और यह रक्त प्रवाह को रोक सकता है जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। यदि थक्के बनने की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जैसे हीमोफीलिया नामक बीमारी में रहती है तो रक्तस्राव द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होने का खतरा रहता है। जो है यहाँ पर जो ये जो है प्लेट यहाँ पर कभी चोट लगी है तो यहाँ पर क्या हो रहेगा, सब प्लेटलेट्स पूरा यहाँ पर धक्का बनेगा। इसको बोलते हैं क्लॉट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। जो नॉर्मली किसी को भी चोट लगती है वो 10 से 13 सेकेंड्स तक उसको क्लॉट होना चाहिए, ये नॉर्मल है। सपोज ज़्यादा हो रहा है वो हीमोफीलिया बीमारी को दर्शाता है। रक्तस्राव अवधि यानी ब्लीडिंग टाइम, सामान्य रक्तस्राव अवधि जैसे उंगली में सुई चुभने पर 2 से 3 मिनट तक ही होती है। इसकी जांच शल्य चिकित्सा से पूर्व की जाती है। हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में रक्तस्राव अवधि बढ़ जाती है। द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज बिटवीन 2 to 7 मिनट्स। इसको कैसे करना पड़ता है, पहले बीपीए पर कफ उसको बांधना पड़ेगा, 40 mm उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद एक लैंसेट से नीडल से वहाँ पर प्रिक करना है, वो भी ज़्यादा डीप में नहीं, केवल 1 mm का थोड़ा से हल्का से लगाना पड़ेगा। इसकी जो ब्लॉटिंग पेपर है उसको लगा लगा के ब्लीडिंग आ रहा है नहीं आ रहा देखते रहना पड़ेगा। जब बंद हो जाते ब्लॉटिंग पेपर में ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल कितना आना चाहिए, इट्स 2 to 7 मिनट्स तक नॉर्मल है, उससे अधिक होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसका। रक्त सम्मोहन और रक्त का पारमिलन यानी ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। जब रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब रक्तदाता यानी डोनर और रक्त प्राप्तकर्ता यानी रिसिपिएंट दोनों की रक्त समूह संबंधी जानकारी आवश्यक होती है। दोनों के रक्तों का पार मिलन भी किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की सावधानियां न ली गई हों तो रक्तदान के फलस्वरूप गंभीर बीमारियां और मृत्यु हो सकती है। व्यक्तियों को 4 रक्त समूह में विभाजित किया गया है जैसे समूह ए कमा बी कमा ए बी और ओ। यदि विभिन्न समूह के रक्त का मिश्रण किया जाए तो लाल रक्ताणुओं के गुच्छ बन जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। इसे असंयोज्यता कहते हैं। यह है ब्लड ग्रुपिंग का है, ए और बी और ए बी और ओ। आपको इसमें कहीं पर सवाल आने के चांसेस होते हैं, जिसको इसमें एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, देखो इसमें ये नहीं है, किसमें ए बी में नहीं है, इसमें नो एंटीबॉडीज, बट यहाँ पर जो ओ ग्रुप का है एंटीजेंस नहीं है। सो कभी कभी ये सवाल आ जाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन दे सकते हैं, वो ग्रुप उसको डोनर कहता है जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं सभी सभी लोग का, बट ए बी जो होता है सबका रिसीव कर सकता है, तो इसलिए उसको रेसिपिएंट कहते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों का रक्त
रीसस पॉजिटिव यानी आरएच पॉजिटिव होता है तो कुछ का रीसस निगेटिव यानी आरएच निगेटिव। यह आरएच घटक बारंबार होने वाले रक्ताधान में महत्वपूर्ण होता है। आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच निगेटिव महिला से होने पर यह गर्भावस्था में भी महत्वपूर्ण है। जब माँ का आरएच नेगेटिव हो जाएगा तो सपोज बच्चों पॉजिटिव रहेगा तो हाइड्रोप्स फीटालिस करके बीमारी हो जाएगा, ये भी कभी कभी सवाल आती है। क्रॉस मैचिंग पार मिलान में दाता के या आधान सीसी के रक्त का रोगी के रक्त के नमूने से मिश्रण किया जाता है तथा मिलान सुरक्षापूर्वक है यह निश्चित किया जाता है। तो क्रॉस मैचिंग दो लोग का देगा, जिसका जरूरत पड़ेगा उसका सीरम निकालेगा और जिसका जो दे रहा है ब्लड डोनेशन दे रहा है उसका एक बूंद उसको लेगा, इसको दो बूंद लेगा, दोनों को जोड़ेगा और उसका टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा तक रहेगा। वॉश करने के बाद उसके बाद उसको कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद आखिरी में देखेगा। सो यहाँ पर इस प्रकार की नॉर्मल इसमें क्लॉटिंग नहीं रहेगा तो इसको ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड को चढ़ा सकता है। सपोज इस प्रकार की क्लॉटिंग हो रहा है इसका मतलब ये इनकम्पैटिबल कहते हैं, मतलब ये लायक नहीं है ट्रांसफ्यूज करने के लिए। सो इसलिए उसको पहले ही क्रॉस मैचिंग करके देखेगा क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हृदय और रक्त वाहिकाएं द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हृदय हृदय व्यक्ति की बंद मुट्ठी के बराबर शंकु आकार पेशी अंग होता है। यह वक्ष में फुफ्फुसों के मध्य स्थित रहता है। इसका निचला सिरा शिखर थोड़ी सी बाई ओर डायफ्राम पर टिका रहता है। भ्रूण में विकसित होने के समय से लेकर मृत्यु के समय तक इसकी धड़कन कभी बंद नहीं होती है। धड़कन हृदय पेशी यानी मायोकार्डियम के बारी बारी संकुचन यानी सिस्टॉल और शीतलन के कारण यानी डायस्टॉल के कारण होती है। मायोकार्डियम मायोकार्डियम हृदय के मध्य की पेशीय परत होती है। नंबर 2 पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम हृदय की बाहर 2 तहों में से बाहरी तह होती है। इन 2 तहों के मध्य अल्प मात्रा में सीरस द्रव रहता है। यह हृदय पेशियों की स्वतंत्र हलचल में सहायता करता है। इंडोकार्डियम यह हृदय की चिकनी अंदरूनी परत होती है और हृदय के बाल बनाती है। हृदय के अंदरूनी भाग में 4 कक्ष या गुहिकाएं होती हैं। दाहिना परिकोष्ठ यानी एट्रियम व बाया परिकोष्ठ ऊपरी कक्ष और दाहिना निलय यानी वेंट्रिकल व बाया निलय निचले कक्ष। मायोकार्डियम की परत निलयों में मोटी रहती है क्योंकि निलयों को अधिक कार्य करना पड़ता है। यह है बाहर की पेरिकार्डियम है, ये जो बीच में है ये मसल का ये मायोकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम जो अंदर वाला है। बाल परिकोष्ठ से निलय को अलग करते हैं तथा खुलते और बंद होते हैं किंतु हृदय की दोनों बाजुओं एक पेशीय दीवार से विभाजित रहती हैं जो मध्यपट यानी सेप्टम कहलाती हैं। हृदय की दोनों बाजुएं एक साथ अलग अलग पंप के समान कार्य करती हैं। हृदय की दाहिनी बाजू राइट साइड ऑफ द हार्ट दाहिने परिकोष्ठ में ऊपरी तथा निचली बेना के भी यानी महासिराएं खुलती हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित यानी अशुद्ध रक्त लाती हैं। डायस्टॉल यानी हृदय प्रसरण के दौरान रक्त दाहिने परिकोष्ठ की ओर बहता है और ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर दाहिने निलय में जाता है। सिस्टॉल यानी हृदय संकुचन के दौरान अशुद्ध रक्त दाहिने निलय से बाहर पंप किया जाता है जिसे फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरीज फुफ्फुसों की ओर ले जाती हैं। हृदय की बाई बाजू यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फुफ्फुसों से कार्बन डाइऑक्साइड के निकास और ऑक्सीजन की प्राप्ति के बाद रक्त 4 फुफ्फुसीय सिराओं यानी पल्मोनरी वेन के माध्यम से बाएं परिकोष्ठ में वापस आता है। डायस्टॉल के दौरान बायां परिकोष्ठ शुद्ध रक्त से भर जाता है जो मिट्रल वाल्व से होकर बाएं निलय में चला जाता है।
सिस्टोलिक के दौरान रक्त दाहिने निलय से पंप होकर महाधमनी यानी एओर्टा में जाता है। महाधमनी शाखाओं का मस्य शाखाओं में विभाजित होकर शरीर के समस्त अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाती है। रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती हैं। नंबर वन, धमनियां यानी आर्टरीज रक्त को हृदय से दूर पेशियों की ओर ले जाती हैं। इनकी दीवारें अधिक मजबूत होती हैं और इनके ऊतक काफ़ी लचीले होते हैं। धमनियां बारंबार पतली दीवार वाली छोटी छोटी शाखाओं में तब तक विभक्त होती हैं जब तक कि ये केशिकाओं यानी कैपिलरीज में परिवर्तित ना हो जाएं। नंबर टू, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। केशिकाएं बहुत छोटी और पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। शरीर के समस्त अंगों के ऊतकों में केशिकाएं जाल बनाती हैं। केशिकाएं आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं। नंबर थ्री, सिराएं यानी वेन्स। सिराएं रक्त को पेशियों से हृदय की ओर वापस लाती हैं। छोटी सिराएं आपस में मिलकर बड़ी सिराएं बनाती हैं। सिराओं की दीवारें धमनियों की दीवार से पतली और कम लचीली होती हैं। टांगों की सिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को ऊपर की ओर बहने में सहायता करते हैं। यह है, यहाँ से आर्टरी जाती है, आर्टरी उसका डिवाइड होने के बाद आर्ट्रियल में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कैपिलरी है। तो ये पूरा यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है, तो ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ये जो है बैंगनी कलर में क्या होगा, ये पूरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, तो वेन्यूल में जाएगा कैपिलरी से और उसके बाद वेन में पहुँच जाएगा। हृदय के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द हार्ट। रक्त परिसंचरण बनाए रखने के लिए हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। नंबर वन, यह केशिकाओं और सिराओं से रक्त को वापस लाता है। नंबर टू, रक्त को ऑक्सीजनीकृत करने के लिए फुफ्फुसों में भेजता है। नंबर तीन, रक्त को महाधमनी के माध्यम से शरीर के सब अंगों की ओर भेजता है। हृदय के कार्य करते समय कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्टीथोस्कोप की सहायता से ये ध्वनियाँ लब टप लब टप इस तरह सुनाई देती हैं। पहली ध्वनि यानी लब हल्की और लंबी रहती है तथा सिस्टोलिक के दौरान निलयों के संकुचन व मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्वों के बंद होने की वजह से उत्पन्न होती है। दूसरी आवाज डब छोटी और तीव्र होती है तथा डायस्टोल के दौरान महाधमनी और फुफ्फुसीय वाल्व के बंद होने की वजह से होती है। ये वाल्व रक्त के हृदय की ओर वापस जाने की रोकथाम के लिए बंद होते हैं। बीमारी की वजह से जब वाल्व क्षतिग्रस्त होते हैं तब अन्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जिन्हें मरमराहट कहते हैं। नब्ज और रक्तचाप यानी पल्स एंड ब्लड प्रेशर। वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रत्येक धड़कन के साथ 60 से 70 मिलीलीटर रक्त महाधमनी और वहां से धमनियों में बलपूर्वक प्रवेशित होता है। हृदय की सिरीय धड़कन यानी अपेक्स बीट बाएं स्तनाग्र के बिल्कुल नीचे की ओर और अंदर की ओर शरीर के मध्य रेखा की ओर महसूस की जा सकती है या स्टीथोस्कोप की सहायता से सुनी जा सकती है। रक्त के बल की वजह से दबाव की लहर धमनियों में उत्पन्न होती है और धमनियां फैलकर इस लहर को गुजरने देती हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल एक्सटर्नल मैक्सिलरी कैरोटिड ब्रैकियल अल्नर फीमोरल पोलिटियल पोस्टीरियर टिबियल डॉर्सैलिस पीडिस। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उसको डोर्सल स्पीडिस यहीं पर रहेगा, तो उसका पैल्पेट करके देखेंगे लगभग उसको जो बीपी है 90 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हृदय है, यहाँ से बहुत लंबी दूर आना पड़ रहा है। जब यहाँ तक पल्स आ रहा है इसका मतलब पेशेंट का बीपी नॉर्मल रहता है। सपोज अनकॉन्शियस है, आपको पता करना पड़ेगा इसका बीपी कितना है, आपको बीपी अपरेटर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा इनकेस नहीं है तो यहाँ पर पता चलेंगे। सो आपको 80-90 सिस्टोलिक तक मान लीजिएगा, तो शॉक में नहीं है पेशेंट। नब्ज यानी पल्स।
धमनी को किसी अस्थि पर थोड़ा सा दबाकर उसमें होने वाले प्रसरण को महसूस करना होता है। रक्तीय दबाव की लहर को हृदय से कलाई तक पहुंचने में 1/10 सेकेंड लगता है। यहाँ पर इस लहर को रेडियल नब्ज के रूप में महसूस किया जा सकता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यह दबाव महाधमनी में उच्चतम, कामाधमनियों में इससे कम और सिराओं में निम्नतम रहता है। सामान्य रक्तचाप सिस्टॉल के दौरान 110 mmHg और डायस्टॉल के दौरान करीबन 80 mmHg रहता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की धमनियों का लचीलापन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, फुफ्फुसों द्वारा रक्त परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। संपूर्ण शरीर के बड़े परिसंचरण को सार्वदैहिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन, श्रीय रक्त दाहिने परिकोष्ठ से दाहिने निलय में जाता है, तत्पश्चात फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेशित होता है। यह दो भागों में विभक्त होती है और रक्त को दाहिने तथा बाएं फुफ्फुस में ले जाती है। धमनियां केशिकाओं में विभक्त होती हैं। केशिकाएं फुफ्फुस के छोटे छोटे वायु कोष्ठों में सब ओर से घेरती हैं। यहाँ रक्त अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ताजी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और चमकीला लाल हो जाता है। इस क्रिया के बाद रक्त 4 फुफ्फुसीय सिराओं यानी पल्मोनरी वेंस में एकत्रित होता है और हृदय के बाएं परिकोष्ठ में ले जाया जाता है। सार्वदैहिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बायां निलय रक्त को महाधमनी में पंप करता है तथा महाधमनी से धमनियों में, कामाधमनियों से केशिकाओं में और केशिकाओं द्वारा रक्त संपूर्ण शरीर के समस्त अंगों को वितरित किया जाता है। केशिकाओं से एक स्वच्छ द्रव रिसता है, जिसे ऊतक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। यह द्रव ऊतक केशिकाओं का पोषण करता है और उनके व्यर्थ पदार्थों को एकत्रित करता है। ऊतक द्रव को इस क्रिया के बाद केशिकाओं द्वारा पुनः एकत्रित किया जाता है और यहाँ से वह सिराओं में जाता है। सिराएं मिलकर ऊपरी महासिरा यानी सिर और भुजा से तथा निचली महासिरा यानी धड़ और पांव से बनती है। महासिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय के दाहिने परिकोष्ठ में ले जाती हैं। रक्त परिसंचरण में पेशियां सहायक होती हैं, जो रक्त प्रवाह को हृदय तक वापस पहुंचाती हैं। इसी वजह से व्यायाम रक्त परिसंचरण के लिए लाभदायक होता है। एडिमा, अंगों की सूजन में असामान्य स्थिति होती है। इसकी वजह से ऊतकों में ऊतक द्रव एकत्रित हो जाता है। लसीकीय तंत्र और प्लीह यानी लिम्फेटिक सिस्टम एंड स्प्लीन, लसीकीय तंत्र दूसरा परिसंचरण तंत्र होता है। यह निम्न प्रकार से बनता है। 1, लस यानी लिम्फ। 2, लसीकीय वाहिकाएं यानी लिम्फेटिक वेसल्स। 3, लस ग्रंथियां या गिल्टियां यानी लिम्फ ग्लैंड्स और नोड्स। लस यानी लिम्फ, यह प्लाज्मा और ऊतक द्रव के समान ही द्रव होता है, लेकिन संक्रमण होने पर इसमें रोगाणु होते हैं। वास्तव में लस वह ऊतक द्रव होता है जो लस वाहिकाओं में रहता है। यह लिम्फैटिक सिस्टम है जिसमें WBC वगैरह लेके जाता है। ठीक है, तो लसिकीय वाहिकाएं लिम्फैटिक वेसल्स, लसिका वाहिनियों की शुरुआत ऊतकीय यानी कोशिकाओं के मध्य स्थानों से होती है और सिराओं के समान ही ये जुड़ी रहती हैं। वाहिकाओं में बल्ब होते हैं जो लस द्रव के बहाव को दो मुख्य लसिकीय वाहिकाओं की दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। ये मुख्य वाहिकाएं निम्न हैं, जैसे वक्षीय वाहिका या थोरेसिक डक्ट। यह दोनों पांव का धड़, बायां हाथ का वक्ष की बाई बाजू और सिर की बाई बाजू से लसिकीय द्रव एकत्रित करती है। 2, दाहिनी लसिकीय वाहिका यानी राइट लिम्फेटिक वेसल्स, यह दाहिने हाथ वक्ष की दाहिनी बाजू तथा सिर की दाहिनी बाजू से लसिकीय द्रव एकत्रित करती है।
लैक्टियल्स लैक्टियल्स लसकीय वाहिकाएं होती हैं जिनमें पाचित वसा रहती है। लैक्टियल्स आंतों से पाचित वसा का चूसण उसके रक्त में प्रवाहित करने के लिए करती हैं। बछिए और दाहिनी लसकीय वाहिकाएं बच्छ के ऊपरी भाग में बड़ी सिराओं से मिलती हैं तथा पाचित वसा और लिम्फोसाइट्स यानी सफेद रक्त कणों को रक्त में प्रवाहित करती हैं। लस ग्रंथियों यानी लिम्फ ग्लैंड्स की बनावट सेम के आकार की होती है और ये लसकीय वाहिकाओं के मार्ग में स्थित होती हैं। इनके मुख्य समूह गर्दन, बगल, जांघ, श्रोणिय और उदरीय गुहिकाओं में स्थित रहते हैं। लसकीय ऊतक टॉन्सिल्स, कामग्रसनी और आंतों में भी रहते हैं। कार्य ऑफ लिम्फ ग्लैंड। लस ग्रंथियां शरीर की संक्रमण से सुरक्षा निम्न प्रकार से करती हैं। नंबर 1, रोगाणुओं को रक्त प्रवाह में जाने से रोकने हेतु लस द्रव को छानना तथा उन्हें निष्प्रभावित करने हेतु उनसे संघर्ष करना। नंबर 2, रक्त के लिए लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करना। प्लीहा या स्प्लीन, यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित गहरे बैंगनी रंग का अवयव होता है। इसका सामान्य आकार लंबाई में 12.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर होता है। यह निचली पसलियों द्वारा सुरक्षित रहता है। कुछ बीमारियों जैसे टाइफाइड, ज्वर और मलेरिया में इसका आकार बढ़ जाता है और ऊपरी अमाशय में इसे महसूस किया जा सकता है। प्लीहा के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, रक्त के लिए नए लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करना। नंबर 2, अनुपयोगी पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता करना। नंबर 3, अनुपयोगी लाल रक्त कोषों को नष्ट करना और उनसे पुनः उपयोग हेतु आयरन का चूषण करना। नंबर 4, लाल रक्त कोषों का भंडारण करना और अकस्मात रक्त स्राव के समान संकट के समय में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें छोड़ना। ये कभी कभी एक सवाल आ सकता है, जो हार्ट बीट कहाँ शुरू होती है, इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं इसका, ठीक है। तो ये साइनो एट्रियल नोड कहता है। और आर्टरी में भी कभी पूछा जा सकता है, बट ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी इसको पॉज करके देख लेना। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।